हेलो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर फाइन वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम द सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट 1930 कवर करेंगे आज के वीडियो में वी विल डिस्कस सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट इसमें टोटल सेवन चैप्टर्स हैं ठीक है हम लाइन टू लाइन सारे चैप्टर्स कवर करेंगे सारे सेक्शंस कवर करेंगे सो क्शन चैप्टर वन टॉक्स अबाउट प्रीलिमरी चैप्टर विच कवर्स डेफिनेशन एंड ऑल ठीक है उसमें सब कुछ डेफिनेशन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन क्या होता है ये आता है ठीक है सेकेंड चैप्टर इज ऑन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थर्ड इज इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनपेड सेलर सोड फॉर ब्रीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है और चैप्टर सेवन चैप्टर सेवन है मिसलेनियस हम वो भी कवर करेंगे ठीक है तो हम पहले पढ़ते हैं चैप्टर वन के बारे में एंड दैट कवर सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है सेक्शन टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड देखो पहले हम ये समझते हैं जैसे यहां बोला है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड गुड्स एक्ट 1930 कि हम इस एक्ट को क्या बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले क्या था 1963 में अमेंडमेंट हुई थी तो ये वर्ड आया था द सेल ऑफ गुड्स एक्ट अमेंडमेंट से पहले क्या था पहले इसका वर्ड हुआ करता था द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले इसका नाम ये हुआ था बट आफ्टर अमेंडमेंट इन 1963 दैट हैज बीन चेंज टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ठीक है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया ये हमें पता है टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद पहले एक्सेप्ट जे एंड के होता था जम्मू एंड कश्मीर बट अब एक्सटेंड हो गया टू होल ऑफ इंडिया इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई नाइनटीन थर्टी कब फोर्स में आया था फर्स्ट डे ऑफ जुलाई नाइनटीन थर्टी में ठीक है हमने बोला कि हम सेल ऑफ गुडजेक्ट पढ़ते हैं क्या मतलब सेल ऑफ गुडजेक्ट का मतलब क्या पहले हम थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि हम इस एक्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है देखो हमें जैसे वर्ड से पता चल रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमें वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पे सेल होएगा मतलब परचेज होएगा और सेल होएगा किस चीज का होएगा लेकिन ये भी हमें एक्ट के नाम से पता चल रहा है गुड्स का अब गुड्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे सेक्शन सेकंड में जहां पे मैंने बताया कि डेफिनेशन दे रखी है ठीक है तो परचेज होना या सेल होना बायर के बीच में सेलर के बीच में जो होता है सेल परचेज होना दैट वी विल रीड अंडर दिस एक्ट ठीक है इसमें सब चीज के बारे में आएगा जो सेलर होता है उसके राइट्स के बारे में आएगा जो बायर होता है उसके राइट्स के बारे में आएगा ठीक है अगर इसको टाइम पे गुड्स नहीं मिले तो क्या होएगा अगर इसको पेमेंट नहीं मिली तो क्या होएगा तो ये बिल्कुल ब्रीफ में बताया अभी मैंने हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे ठीक है भाई अगर गुड्स का प्राइस है वो इनके बीच में कैसे डिसाइड होएगा ठीक है क्या ये गुड्स को पसंद कैसे करेगा भाई अगर इसको क्या कोई सैंपल दिखाया जाएगा ठीक है कैसे दिखाया जाएगा तो पहले हम सेक्शन टू पढ़ लेते हैं जिसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं सेक्शन टू में डेफिनेशंस दी हुई हैं हम इसमें अभी थोड़ी सी डेफिनेशंस कवर करेंगे क्योंकि जब आगे सेक्शंस में वो डेफिनेशंस आएंगे ना तब हम वापस सेक्शन टू को रेफर करेंगे वहां पे अच्छे से वो चीज समझ आएगी ठीक है तो जैसे पहले डेफिनेशन दे रखी है बायर की. बायर की अ पर्सन ना ये भी आ सकता था सिर्फ तो बायर होता बट यहाँ क्या बोल रहे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बायर किसे बोलते हैं जो गुड्स को खरीद रहा है हम उसको बायर बोलते हैं बट यहां बोला पर्सन टू बाय गुड्स इसका मतलब या तो वो खरीद रहा है ठीक है या वो अग्री हो गया अग्री मतलब मैं सहमत हो गया मुझे ये गुड्स खरीदने हैं वो भी पर्सन बायर होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है सेकेंड में बता रहे हैं डिलीवरी डिलीवरी मतलब मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू वन अदर इट मीन्स सेलर से बायर को जब वॉलेंट्री ट्रांसफ़र हो रहा है गुड तो वो क्या हो गया डिलीवरी हो गया ठीक है गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट हम ये डेफिनेशन आगे सेक्शन में अच्छे से समझेंगे यहाँ पढ़ लेते हैं वेन दे आर इन सच स्टेट डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है जब वो ऐसी स्टेट में हैं डेट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ दम कि डिलीवरेबल स्टेट मतलब कि बायर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि तेरे को वो गुड्स जो है खरीदने ही खरीदने पड़ेंगे ठीक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मतलब इंक्लूड्स अ बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कि जो हम टाइटल पास कर रहे हैं जो एक डॉक्यूमेंट हम देते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसमें हम क्या क्या चीज देते हैं ठीक है तो इंक्लूड्स अ बिल ऑफ लेडिंग आता है डॉक वॉरेंट वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट वार फिंजर सर्टिफिकेट रेलवे रिसिप्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट वॉरेंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज इन दर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ द पोजेसन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और ऑथराइजिंग और परपोर्टिंग टू ऑथोराइज इधर बाय एंडमेंट और बाय डिलीवरी द पोजेजर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर टू रिसीव गुड्स दे आर बाई रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जब आगे इसकी भी डेफिनेशन आएगी कि बिल ऑफ लीडिंग में क्या होएगा ठीक है डॉक पॉन्ट में क्या होगा वहाँ पर आगे जब हम एग्जाम्पल्स देंगे ना उसमें अच्छे से समझ आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फॉल्ट फॉल्ट मतलब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है या डिफॉल्ट हो रहा है अब ये फॉल्ट जरूरी है कि सिर्फ बायर करेगा अगर मैं गुड्स लेने जा रही हूँ जरूरी है मैं ही गलती करूँ क्यों भाई सेलर के सेलर भी तो गलती कर सकता है ना तो रॉन्गफुल एक्ट में दोनों का आ जाता है फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या बोल रहे हैं देखो गुड्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं गुड्स एक तो होते हैं गुड्स क्या है मैंने बोला दो तरह के होते हैं ठीक है एक मैंने बोला एग्जिस्टिंग गुड्स जो एग्जिस्ट करते हैं ठीक है एक मैंने बोला फ्यूचर गुड्स ये हम सेक्शन सिक्स में पढ़ेंगे आगे ठीक है एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब अगर सेलर कोई चीज दे रहा है सेलर अगर कोई चीज बेच रहा है वो उसके पास उस टाइम है ठीक है एग्जिस्ट करते हैं अभी उसके पास है फ्यूचर गुड्स नाम से पता चल रहा है कि सेलर के पास अभी नहीं है वो गुड्स बट आगे जाके फ्यूचर में वो गुड्स उसके पास आने वाले हैं चाहे वो मैन्युफैक्चर होने वाले हों ठीक है जैसे मैंने पेन के ऑर्डर दे दिए ठीक है मैं शॉप पे गई अगर मेरे को हाथों हाथ पेन मिल रहा है कि बायर ने पैसे दिए और सेलर ने उसको पेन दे दिया दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स बट अगर उसके पास अभी पेन नहीं है सेलर ने क्या बोला कि अभी मेरे पास पेन नहीं है तुम मेरे पास फर्स्ट जैन को आना देन आई विल प्रोवाइड यू पेन ठीक है तो ये क्या है फ्यूचर गुड्स हैं कि जो मेरे पास गुड्स अभी नहीं है बट दैट विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर ठीक है ये हो गए फ्यूचर गुड्स ठीक है अब आता है गुड्स का मतलब गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मतलब क्या है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन दोनों को छोड़ के एक्सेप्शन क्या है एक्शनेबल क्लेम और मनी एंड इंक्लूड्स तो गुड्स में क्या क्या आएगा मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या इंक्लूड करें स्टॉक एंड शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवियर बिफोर सेल कि सेल से पहले क्या है वो सीवियर हो जाएंगे अलग हो जाएंगे और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसका मतलब देखो इसकी भी लैंग्वेज इजी है क्या बोल रहा है देखो कह रहा है गुड्स क्या होते हैं गुड्स कह रहा है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी वो गुड्स है बट ये कह रहा है कि इसमें क्या है तुम तो मनी और एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड नहीं करोगे यू विल नॉट इंक्लूड मनी एंड एक्शनेबल क्लेम सी फॉर एग्जाम्पल अगर मानो मेरे पास पुरानी करेंसी है ठीक है मानो मेरे पास पुराना फाइव का नोट है या मेरे पास पुराना थाउजेंड रुपीज़ का नोट है ठीक है ये सिर्फ एग्जाम्पल है हुँ? अगर मेरे पास ये है अब मैं इनको इनसे क्या कोई चीज़ परचेज कर सकती हूँ नहीं जी मैं नहीं कर सकती बट अगर मैं इन नोट को बेचना चाहूँ कहाँ मैं हो सकता है म्यूजियम में दे दूँ ठीक है या कहीं और जिसको भी ज़रूरत हो तो मैं इनको किसी चीज़ के बदले में बेचूंगी इट मीन्स कि अगर ए ए पर्सन है और बी पर्सन है ए ने बोला कि इसको ना बहुत ज़्यादा शौक है करेंसीज इकट्ठी करने का ठीक है ओल्ड नोट इकट्ठे करने का तो ये बोलता है कि मेरे पास ना पाँच सौ का नोट पड़ा है पुराने वाला तेरे को लेना है ये कहता है हाँ मेरे को लेना है तो ये कहता है ठीक है तू तो मेरे से वो नोट ले ले बट इन रिटर्न आई विल टेक मनी फ्रॉम यू मेरे को उसके बदले में पैसा चाहिए कुछ ठीक है तो इसलिए बोल रहे हैं और इस इसमें तो क्या बोलती है मेरे को बदले में पैसा चाहिए ये तो क्या है ये वाला जो पैसा है ये वाली जो करेंसी है दैट विल बी कंसिडर टू बी गुड्स ये तो गुड्स हैं ठीक है बट यहां पे बोला कि इट विल नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी ये फिर कौन सी मनी की बात कर रहा है कि ये गुड्स में इंक्लूड नहीं होगी ये बोल रहा है ये कौन सी मनी बोलना चाह रहा है ये ऐसे बोल रहा है जो अभी रिसेंट करेंसी चलती है जो अभी रिसेंट करेंसीज चलती हैं दैट कांट बी कंसिडर टू बी गुड्स ठीक है वो तुम गुड्स नहीं बोलोगे वो तुम गुड्स नहीं बोलोगे ठीक है अंडरस्टूड अब इन्होंने बोला फिर गुड्स में तुम क्या इंक्लूड कर रहे हो ये कह रहा है गुड्स में तुम कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दो ठीक है कह रहा है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दो जिसमें क्या इंक्लूड होंगे स्टॉक एंड शेयर्स जो शेयर मार्केट वगैरह शेयर्स होते हैं तुम इनको वो इंक्लूड कर सकते हो ठीक है ये कह रहा है ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास अब इसका रीजन क्या है क्योंकि ये मूवेबल में क्यों आई देखो वो तो जैसे बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो लैंड क्यों से, से कट जानी चाहिए अलग हो जानी चाहिए तब वो गुड्स कहलाएंगे ठीक है और क्या बोला है आगे डेफिनेशन में वो देखते हैं गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी ठीक है जी एंड क्या इंक्लूड करता है स्टॉक इंक्लूड करता है शेयर्स इंक्लूड करता है ठीक है जी ग्रोइंग क्रॉप्स करता है ग्रास करता है एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड वो लैंड का पार्ट बन रही है विच आर अग्रीड टू बी सीवियर बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेल होने से पहले पहले अगर ये जो थिंग्स हैं वो अलग हो जाएगी तो थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड ठीक है अगर वो अलग हो जाएगी तो इट मीन्स कि अभी मैंने बोला कि कोई भी ग्रोइंग क्रॉप ग्रास हो सक हो सकती है ठीक है अब लगाओ जैसे कोई डोर पड़े हैं डोरस हैं विंडोज हैं कुछ भी लगा लो बिल्डिंग में ठीक है ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है ठीक है मैंने बोला ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है ठीक है न, यहाँ पर जो डोर्स वगैरह ना यहाँ अटैच है ये सारे डोर्स अभी अटैच है तो ये तो क्या है मूवेबल नहीं बन सकता बट जैसे इस बिल्डिंग में से हमने डोर्स को अलग कर दिया हमने लाइट्स को अलग कर दिया और भी हमने फैन वगैरह सब कुछ अलग अलग कर दिया जैसे अब हमने उनको अलग अलग कर दिया ना डिटैच कर दिया अलग कर दिया जैसे हमने उनको ठीक है डिटैच कर दिया मतलब उनको अटैच नहीं रखा उनको उसमें से हटा दिया सीवियर कर दिया इससे अच्छा वर्ड तुम यूज़ करो सीवियर कर दिया ठीक है सीवियर फ्रॉम लैंड हो गए ठीक है तो उससे टाइम वो चीज़ क्या बन जाती है गुड्स बन जाते हैं एंड दैट इज कंसिडर टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है क्योंकि जब इसके साथ अटैच हो चुका है तो ये मूवेबल तो हो ही नहीं सकती ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई जो मूव नहीं हो सकती बट जैसे अगर तुम उस चीज को अलग कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी तुम्हारी मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी ठीक है आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट में क्या बताया अ पर्सन इज सेट टू बी इन्सॉल्वेंट हुज सीज टू पे हिस्स डेप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेप्ट जो पैसे नहीं दे रहा अब वो पैसे नहीं दे पा रहा एज द के एज दे बिकम ड्यू वेदर हीज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट यूर नॉट तो इंसॉल्वेंट कौन होता है जी भाई आज उसको पैसे देने थे आज उसको मनी देना था ठीक है हमने डेट फिक्स कर ली थी वी हैव द डेट ठीक है उसने क्या है उस दिन पैसे नहीं दिए उसके बाद भी वो नहीं दे रहा उसके ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है चढ़ता जा रहा है वो पर्सन कौन हो गया वो इंसॉलवेंट हो गया कि वो मेरा पैसा नहीं दे रहा ठीक है जी फिर मर्केंटाइल एजेंट मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर द परपज ऑफ सेल और टू बाय गुड्स वो पर्सन जो एजेंट की तरह एक्ट करता है या तो गुड्स के लिए, लिए किसके भी हाफ पे करेगा या सेलर के भी हाफ पे या बायर के भी हाफ पे ठीक है आगे सबसे uh, क्या बोल रहे प्राइस के बारे में प्राइस मीन द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स कि जो भी तुम पैसे दे रहे हो मनी कंसिडरेशन दे रहे हो दैट विल बी कंसिडर टू बी प्राइस क्या मैं किसी गुड्स के बदले में क्या मैं कभी कोई एक कोई और चीज़ दे सकती हूँ क्या मैं गुड्स ही दे सकती हूँ मैं सेलर को जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैंने सेलर को ऐसे बोला मैं ये बायर है ये सेलर बायर सेलर पास गया ठीक है अब इसने सेलर को बोला कि मेरे को पेन दे दे ठीक है जी सेलर पेन दे रहा है पर ये क्या बोल रहा है बायर कि मैं ना तेरे को मनी के मनी के एक्सचेंज में क्या मैं तेरे को दूसरा पुराना पेन दे दूँ ओल्ड पेन दे दूँ सेलर कहेगा पागल है क्या मैं पैसों के लिए बैठा हूँ मैं पुरानी चीज़ें थोड़ी ना लेने बैठा हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या बोला है कि प्राइस क्या है मनी कंसीडरेशन प्राइस क्या है जो पैसे में होएगी चीज़ चीज़ के बदले चीज़ नहीं मांगी मैंने ठीक है ओके सेक्शन सब सबसेक्शन इलेवन कहता है प्रॉपर्टी के बारे में मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी कि जो प्रॉपर्टी है वो जनरल में होएगी कि उस पर सारे राइट्स होंगे स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए ठीक है जी अगला क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशन कैसी उसकी क्वालिटी है किस हालत में वो सामान पड़ा है ठीक है जी सेलर मीन्स अ पर्सन जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था बायर जो फर्स्ट डेफिनेशन थी सेक्शन टू सब सेक्शन वन में है ना? तो सेक्शन टू थर्टीन में है सेलर मतलब पर्सन हु सेल्स और अग्री टू सेल गुड्स इट मीन्स वहां पे क्या था हु बाइज और एग्री टू बाई गुड्स तो इसमें भी ऐसे जो सामान बेच रहा है या जो एग्री कर रहा है अग्री हो रहा है कि ठीक है मैं तेरे को गुड्स दे दूंगा ठीक है तो वो कौन होता है सेलर होता है ओके स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है स्पेसिफिक गुड्स कि जो गुड्स जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है वो गुड्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हूँ एग्री कर लियो इट मीन्स सपोज कि मैंने बोला स्पेसिफिक गुड्स जो मैंने आइडेंटिफाई कर लियो तो इसका मतलब तो ये मैंने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया हो जैसे तुम शॉप पर जाते हो ठीक है आई वेंट टू शॉप ठीक है मैंने वहाँ बोला कि भैया मेरे को ना Uh, लगा लो वन के जी राइस दे दो ठीक है मैंने ऐसे बोला अब उसने मेरे को बोला बासमती राइस दूँ या कोई और राइस दूँ मैंने उसको बोला मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरे को तो बासमती राइस चाहिए वो भी मेरे को एक किलो चाहिए ठीक है जैसे उसने मेरा एक किलो निकाल दिया ना और जैसे मैंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरे को बासमती चाहिए तो ये आइडेंटिफाई हो गया मतलब मैंने गुड्स को स्पेसिफ़ाई कर दिया कि मेरे को बासमती राइस चाहिए ठीक है तो स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपोन एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड तो जब मैं गुड्स आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उस पर एग्री हो चुकी हूँ ठीक है जी ये फिफ्टीन्थ भी यहीं आ गया फिफ्टीन्थ में क्या बोला है फिफ्टीन्थ में एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव द मीनिंग असाइंड टू दैम इन दैट एक्ट इसका मतलब अगर कोई वर्ड ऐसा है जो यहाँ पे से जो यहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन नहीं कर रखा तो हम उसका मीनिंग कैसे कंसीडर करेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है हम उसके पास चले जाएंगे हम कहेंगे कि देखो जी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ना इसकी डेफिनेशन ही दे रखी तू मेरे को बता दे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहेगा ले मेरे पास है डेफिनेशन तू तो मेरे वाली डेफिनेशन अप्लाई कर ले तो ये फिफ्टींथ में बोला गया ठीक है मैं सिर्फ एप्लीकेशंस बताई है वो भी टफ नहीं है वो पढ़ी जाएगी आराम से नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर सेक्शन फोर्टीन सेक्शन फोर दैट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो हम सेक्शन फोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज थैंक्स फॉर वॉचिंग